हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी कि आप अपने रोज़ के प्लांट में किस तरह से ढेर सारे फूल खिला सकते हैं। सो गाइस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विंटर के सीज़न में रोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिलते हैं। जो मिड अक्टूबर से नवंबर का वक्त होता है उसी समय में आपने इसके प्रूनिंग, इसको फर्टिलाइज़र जो भी ऐड करना था वही मंथ में आपने ऐड कर लेना था। मेरे गार्डन में आप लोग देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर रोज़ खिले हुए हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब ग्राफ्टेड वैराइटीज़ है। मेरे पास देसी वैराइटीज़ की भी रोज़ प्रेजेंट है गाइस। उनकी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ को मैंने गमले पर भी लगाया है। सो आप रोज़ को गमले पर भी लगा सकते हैं, कोई भी कंटेनर हो चलेगा, जैसे प्लास्टिक के बैग हो तो भी चलेगा, या फिर आप अपने डायरेक्टली गार्डन में लगा सकते हैं और उसका बहुत बड़ा पेड़ भी बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप अपने रोज़ के प्लांट में ढेर सारे फूल किस तरह से लाएंगे, तो उसका जवाब मैं आप लोगों को दे देती हूँ गाइस। रोज़ के प्लांट की सही प्रूनिंग और सही मात्रा में इनको फर्टिलाइज़र ऐड करने से इनमें ढेर सारी कलियाँ इस तरह से आ जाती है। ये देखिए गाइस, देखिए इसमें किस तरह से कलियाँ आई हुई है। ये जो ब्रांच देख रहे हैं इसे हमने प्रून किया है, यानी कि हमने इसकी कटिंग की है। जो मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का वक्त होता है तभी आपने इनको प्रून कर लेना है। अभी तो गाइस इनका खिलने का सीज़न है, इसीलिए अभी आप इनकी प्रूनिंग ना करें। अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो रोज़ को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर धूप इनमें नहीं पड़ेगी तो इनके फूल नहीं आते हैं गाइस। इसीलिए आप अपने रोज़ के प्लांट को फुल सन में रखिए। और वैसे भी अभी ठंड का महीना है तो धूप बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में आती है, इसीलिए आप इनको ऐसी प्लेस पर रखिए जहाँ पर 24 घंटे की धूप इन्हें पड़ती रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड वैरायटी के रोज़ हैं, इनमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन जो देसी वैरायटी के रोज़ होते हैं उनमें भर भर की खुशबू होती है, इसीलिए गुलाब जल बनाने में देसी वैरायटी का इस्तेमाल होता है। गाइस जब फूल खिल जाते हैं तो सबसे पहले आपने कट कर लेना है, लेकिन कौन सी जगह पे कट करना है मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं करना है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से लीव्स के जो दो नोड्स हैं उसे छोड़कर आपने इस तरह से ये नीचे की तरफ कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर एक नई ब्रांच भी आ रही है ना गाइस, तो उसको भी बढ़ने का मौका मिल जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर सा शेड है। सो आप अपने रोज़ का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतने ही ज़्यादा इनमें फूल आएंगे और वो फूल आपके घर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। सो जो भी इन्फेक्टेड ब्रांच होते हैं, ये इस तरह से जो लीव्स मुरझा जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उन सब को आपने इस तरह से निकाल देना है ताकि आपका जो प्लांट है वो इन्फेक्शन फ्री रहे, और तो और आपका जो प्लांट है उसका लुक भी ख़राब ना हो। ये देखिए यहाँ पर भी हमने कटिंग करा था। अगर मैं इनके सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो वही गाइस रेगुलर सॉइल, गार्डन सॉइल थोड़ा सा, एंड जो गाइस काउडंक वाला फर्टिलाइज़र होता है, एकदम फ्रेश काउडंक नहीं गाइस, जो काउडंक को हम सुखा के रखते हैं बहुत दिनों के लिए, उसको ऐसे ही रख देते हैं, वो वाला फर्टिलाइज़र ऐड करें। और पत्तों की खाद ज़रूर ऐड करें गाइस। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट और नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। आप DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस ये जो है ये छोटा गुलाब है, इसके जो फूल होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ये गुच्छे में खिलते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी प्रूनिंग हमने करी थी। सो बहुत सारी जगह पर आपको इस तरह से कटिंग मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर रोज बहुत सारे आए हैं। ये इसका जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा एक मिक्सचर हमने इसके लिए यूज़ किया था, और तो और गाइस इसमें मैंने जो गोबर वाला पानी होता है वो भी इस्तेमाल किया था। वो वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ठंड के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, इसीलिए लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र आप ठंड के महीने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करें।
देखिए मेरी सिनेरिया के प्लांट कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। आप जब भी रोज़ की कटिंग करते हैं तो आप अपने जो सीज़र है उसे अच्छे से क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है देसी वैरायटी के रोज़, ऊपर की तरफ खिले हुए हैं क्योंकि ये जो पेड़ है थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। इसको भी हमने कटिंग किया था, और इसकी जो कटिंग है हमने आई थिंक नवंबर में करी थी। सो अभी इस सीज़न में ढेर सारे फूल खिलेंगे, उसके बाद आप इनकी फिर से एक बार कटिंग कर सकते हैं, और जब बरसात का मौसम आता है उस समय आप इनको इजीली प्रोपागेट कर पाएंगे गाइस। सो ये प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना है, इसको हमने अपने गार्डन में लगाया था, और अभी भी इसमें बहुत सारे फूल आते रहते हैं क्योंकि हम इसको टाइम टू टाइम प्रून करते रहते हैं। ये देखिए इनमें कलियाँ आती रहती है, जैसे ही विंटर सीज़न आ जाता है वैसे ही हम इसको पहले तो फूल खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, उसके बाद विंटर सीज़न आते ही इनमें ढेर सारी फूल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है इनमें से। ये एक बहुत बड़ा रोज़ खिला हुआ था गाइस कोने में, तो सोचा कि मैंने आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत सुंदर सी वैरायटी है ये भी, और इसकी जो कलियां हैं बहुत ज़्यादा नाजुक है, ये देखिए बहुत बड़ा साइज़ भी है इसका। सो ये भी देसी वैरायटी है, और आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सभी का धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल।